नमस्ते फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रेनु का और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम पाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं इसे बवासीर भी कहते हैं कई लोग इसे मस्से भी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हेमराइड्स कहा जाता है दोस्तों इस बीमारी की टेंडेंसी रिकरेंट होती है मतलब यह बीमारी लोगों को बार बार हो जाती है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पाइल्स के रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं उसका होम्योपैथिक उपचार क्या हो सकता है और इसके कारण और लक्षण पे मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ यदि आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं तो चलिए दे ना करते हुए अब शुरू करते हैं और समझते हैं पाइल्स को अब हम पाइल्स की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे इस केस में पाइल्स के केस में होम्योपैथी पांच तरह से काम करती है दोस्तों इसमें नंबर वन ये है कि पेशेंट को यदि किसी को क्रोनिक पाइल्स है और उसको पाइल्स रिकरेंट हो रहा है तो इस केस में होम्योपैथी बहुत अच्छे से डील करेगी नंबर टू यदि पेशेंट को पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो भी इसका अच्छा रोल है नंबर तीन जो पेशेंट के करेंट सिम्टम होते हैं मतलब उसको एनल वाले रीजन में यदि इचिंग हो रही है इरिटेशन हो रही है बर्निंग हो रही है डिसकंफर्ट हो रहा है यदि उसको वहाँ पर दर्द हो रहा है और चुभन हो रही है तो इस पर भी बहुत अच्छा रोल है इसका और इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जब पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है मतलब पेशेंट को बहुत टाइम से कब्जियत बनी रहती है तो भी होम्योपैथी यहाँ पे अच्छे से काम करेगी एक्सटर्नल पाइल्स के केस में पेशेंट को एनल रीजन में लम्ब छूट जाते हैं और वह धीरे धीरे हार्ट नडूल में कन्वर्ट हो जाते हैं इस पे भी होम्योपैथी अच्छा काम करती है इस कड़ी में फर्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है मीन्स कब्जियत होती है और उसका मेन कारण होता है सैरेंटरी लाइफ वो टाइम से खाना नहीं खाता पानी कम पीता है यदि वो मैदे के आइटम ज़्यादा खाता है जंक फूड खाता है एक्सरसाइज नहीं करता तो पेशेंट को कब्जियत की शिकायत हो जाती है इस केस में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों और इसमें पेशेंट को मेन नॉन ब्लीडिंग पाइल्स पर यह दवाई अच्छा काम करती है इसमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का एक करेक्टर बहुत मेन होता है कि पेशेंट को दिन भर मोशन जाने की अर्ज बनी रहती है और जब वो मोशन के लिए जाता है तो उसका पेट साफ नहीं होता है यदि इस तरह के स्पेसिफिक सिम्टम्स मिल रहे हैं तो नक्स का बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है एस्कुलस यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को मोशन जाने के दौरान और उसके बाद भी एनल रीजन में जलन होती है इरिटेशन होता है इचिंग होती है और बहुत ही चुभने वाला दर्द होता है जैसे कोई सुइया चिबो रहा है यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं साथ में ये भी हो सकता है कि पेशेंट को वहाँ पर सूजन मिल सकती है और सूजन होने के कारण वहाँ उसको मोशन जाने का रास्ता उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या बंद हो जाता है तो उसको मोशन जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यह मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों पे बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों तो यदि इस तरह के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो यह मेडिसिन जादू का काम करती है अगली दवाई है कैलकेरिया फ्लो सिक्स एक्स यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को पाइल्स रिकरेंट होते हैं और वह पाइल्स या तो फिशर में कन्वर्ट हो जाते हैं या हार्ड नडूल बना लेते हैं एनल वाले रीजन में तब इस दवाई का रोल शुरू हो जाता है नंबर टू यह दवाई नॉन ब्लीडिंग पाइस और ब्लीडिंग पाइस दोनों पे अच्छा काम करती है और तीसरी चीज़ एक और देखी गई है कि यदि मान लीजिए किसी फीमेल को डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद पाइस की समस्या हो गई है तो भी इस दवाई का रोल बहुत अच्छा है दोस्तों इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू। दोस्तों इस मेडिसिन को खाना नहीं है इसको लोकली अप्लाई करना है एक्चुअली होता क्या है जब लोगों को रिकरेंट पाइस की समस्या हो जाती है तो उनके एनल रीजन में क्रैक्स या फिशर्स हो जाते हैं और वहाँ पेशेंट को बहुत जलन होती है कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है इसके कारण वहाँ गुंड या पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है इसलिए यदि आप एक टब लेते हैं उसमें गुनगुना पानी डालते हैं 30 से 40 बूंद यदि आप कैलेंडुला क्यों की क्योंकि डाल देते हैं और उसमें सिकाई करते हैं दिन में दो बार तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों के साथ एक चीज और कर सकते हैं आप कैलेंडोला का ऑइंटमेंट भी आता है यदि आप दिन भर उसको लगा के रखना चाहें उन क्रैक्स पे तो लगा कर भी रख सकते इस तरह से बाकी जो मेडिसिन मैंने बताई हैं पाइस के लिए वो पाइस को इंटरनली हील करेंगे और कैलेंडोला क्यू पाइस को एक्सटर्नली हील करेगा दोस्तों अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे इसके प्रिवेंशन का बेस्ट वे ये होता है कि स्टूल सॉफ़्ट होना चाहिए जितना स्टूल सॉफ़्ट होगा उतना एनल डीजल पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो फाइस की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी दोस्तों अब इसकी रोकथाम के लिए पहला उपाय ये है कि पेशेंट को बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए फ्रूट्स खाना चाहिए छिलके वाली दालें खानी चाहिए होल ग्रेन खाना चाहिए मतलब पेशेंट को फाइबर डाइट बढ़ा देना चाहिए उससे पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा नंबर टू पेशेंट को अपना वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए मतलब पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना चाहिए नंबर तीन पेशेंट को स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेन या ताकत नहीं लगाना चाहिए उससे भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और पाइस की शिकायत हो जाती है अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग स्पेशली इन टॉयलेट उस पोजिशन पर बहुत देर तक बैठे रहने से भी वहाँ प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को पाइस की समस्या हो जाती है दोस्तों आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए जितना एक्सरसाइज करेंगे जितना बॉडी को मूव करेंगे उतना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी ओबेसिटी नहीं होगी तो इन रीज़न पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और पेशेंट को पाइस नहीं होगा दोस्तों एक चीज़ और देखी गई है कि कई बार बच्चों में या बड़ों में उनको अर्ज तो होती है स्टूल की लेकिन वो उस टाइम जाते नहीं हैं अवॉइड कर देते हैं फिर जब जाते हैं तो उनको स्ट्रेन लगाना पड़ता है वो भी एक बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का तो दोस्तों आपको इन सब कारणों पे ध्यान देना है जिससे कि आप प्रिवेंशन कर सकें और बहुत हद तक ये सब करके भी आप पाइस की समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तों पाइल्स या बवासी पे बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू तो माय वीडियो माय चैनल थैंक यू